हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्रुति गुप्ता आपकी मैथ्स टीचर। टुडे वी स्टार्ट क्लास ट्वेल्थ में चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बोला गया फॉर द मैट्रिक्स ए वेरीफाई दैट ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सेकंड पार्ट में ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज अ ट्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो चलिए बेटा सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे आप सॉल्व ए प्लस ए का ट्रांसपोज? तो सबसे पहले ए ट्रांसपोज चाहिए आपको, जो रोज है उसको आप कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास ए ट्रांसपोज आ गया। तो आप निकालेंगे ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ए मैट्रिक्स आपके पास है 1 5 6 7, प्लस करेंगे आप 1 6 5 7, ठीक है। तो आपके पास ये आ जाएगा 1 और 1 2 हो जाएगा, 5 और 6 11, 6 और 5 अगेन 11, 7 7 14, तो ये आ गया आपके पास ए प्लस ए ट्रांसपोज। ओके, तो आपको ये पूछा गया है इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास तब होती है जब हमारे पास मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है वो उसके इक्वल हो। तो हम इसका क्या निकालेंगे, अभी हम इस पूरे का ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालेंगे, ठीक है बेटा। तो चलिए हमारे पास ये आ जाएगा 2 11 है, रोज में कॉलम में करने के आपको, तो आप देख रहे हैं दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, तो इट मींस आप लिखेंगे हियर ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल है। तो मतलब इसको आप मान लीजिए ए मैट्रिक्स है, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ गया, तो ये हमारे पास क्या आ गया इक्वल आ गया, तो इट मींस ये क्या हुआ, हेंस ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आप लिखेंगे हेंस ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके बेटा, नेक्स्ट आपको पूछा गया है सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट के लिए पहले आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं आप। सेकंड पार्ट के लिए भी आपको क्या चाहिए, ट्रांसपोज चाहिए, वो आप रखेंगे क्योंकि हमें ए मैट्रिक्स यही वाली यूज करनी है इसमें भी, तो ये आ गया ट्रांसपोज। अब आप ए माइनस ए ट्रांसपोज करेंगे तो वो आ जाएगा बेटा आपके पास, ए लिखेंगे पहले 1 5 6 7, माइनस करेंगे उसका ट्रांसपोज 1 6 5 7, तो ये आ जाएगा आपके पास 1 में से 1 गया 0, 5 में से -6 गया -1, 6 में से 5 गया 1 एंड 7 में से 7 गया 0, तो ये आपके पास आ गई ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब आप इसी का ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो ये रो हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगी कॉलम में, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो आप अगर इसको माइनस कॉमन ले रहे हैं वहां बाहर, तो हमारे पास जीरो से अगर हम माइनस मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं, बट यहाँ पे माइनस वन हो जाएगा, क्यों, माइनस वन देगा आपको, और वन यहाँ पे क्योंकि माइनस वन आपके पास माइनस वन हो जाएगा और ये जीरो। तो आप देख रहे हैं हमारे पास ये चीज जो है, ये चीज किसके इक्वल आई है, जो आपने ए माइनस ए ट्रांसपोज निकाला था इसी के इक्वल है ये चीज, ठीक है। तो इट मीन्स हमारे पास माइनस, इसके बदले हम लिख रहे हैं ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये तब होता है हमारे पास जब हमारे पास मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किसके इक्वल आता है, माइनस ए के, तो वो हमारे पास होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आप लिखेंगे हियर ए माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है, इसका ट्रांसपोज। ओके बेटा, तो आप लिखेंगे हेंस ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स,
ठीक है बेटा, ये आ गया आपके पास, नोट कर लीजिए आप इसको। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। अब 9 क्वेश्चन करेंगे आप इसका। नाइन क्वेश्चन में बेटा आपको बोला गया है फाइंड 1/a ब्रैकेट a प्लस a ट्रांसपोज, तो आपको ये फाइंड करना है a प्लस a ट्रांसपोज ये फाइंड करना है। और सेकंड वन आपको ये फर्स्ट मतलब ये चीज फाइंड करनी है, सेकंड आपको ये चीज फाइंड करनी है हाफ a माइनस A ट्रांसपोज, ठीक है। तो आपको A मैट्रिसेस गिवन है, A मैट्रिसेस है आपके पास 0 माइनस A माइनस B, और आपके पास है A 0 माइनस C B C और ये 0, ये आपको A मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है बेटा। तो चलिए आप इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं सबसे पहले आपको ये चीज फाइंड करनी है, तो आप सॉल्व कर रहे हैं, हमारे पास इसका हमें ए ट्रांसपोज चाहिए, तो पहले ए ट्रांसपोज निकालिए। आपके पास जो रोज है वो किस में आ जाएंगी, कॉलम में, ओके बेटा ये आ गया आपके पास। अब आप सॉल्व करिए, जो फर्स्ट पार्ट है हाफ ए प्लस A ट्रांसपोज, तो हाफ A हमारे पास क्या है, लिखिए आप उसको, वहां पे हमारे पास A मैट्रिक्स दी गई है 0 A B माइनस A 0 C माइनस B माइनस C एंड 0, फिर आपको करना है प्लस A ट्रांसपोज, तो प्लस करिए, A ट्रांसपोज है आपके पास 0 माइनस A माइनस बी ए जीरो माइनस सी बी सी जीरो ये आ जाएगा। चलिए सॉल्व करिए, तो हमारे पास आ जाएगा बेटा जीरो जीरो क्या हो जाएगा जीरो, तो आप ये वाले हटा लीजिए, ब्रैकेट आप ये ही दे दीजिए, जीरो आ गया। फिर ए माइनस ए जीरो, B प्लस तो है बट माइनस का साइन है इसलिए जीरो, A माइनस A है प्लस A है जीरो जीरो, एंड C और माइनस C जीरो, अगेन ये भी जीरो हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास, ओके बेटा। अब आप देख रहे हैं 1/2 हर एलिमेंट के साथ अगर मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा, जीरो, क्लियर है बेटा। तो हमारे पास अंदर आप मैट्रिसेस दे देंगे ये जीरो जीरो जीरो, क्योंकि 1/2 अगर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई भी नंबर अगर जीरो से मल्टीप्लाई हो जाता है तो वो हमें क्या देता है, जीरो देता है, ओके बेटा। चलिए फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट है हमारे पास ए माइनस ए, तो ए माइनस ए आपको करना है, आपको ए ट्रांसपोज चाहिए, ए माइनस ए आपको चाहिए। चलिए तो आप इसी में वैल्यू डाल लेंगे, यहाँ पे क्या है a माइनस a चाहिए ना आपको, ये गलती करती थी, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे a मिलाना है, a हमारे पास मैट्रिसेस है 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c और 0, और इसका ट्रांसपोज है 0 माइनस a माइनस b a 0 माइनस c b c जीरो, तो माइनस करिए बेटा, जीरो में से जीरो गया जीरो, टू माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो टू ए बी, और माइनस प्लस टू बी, माइनस ए और माइनस ए माइनस टू ए जीरो,
और ये c और माइनस माइनस प्लस टू सी, माइनस बी है माइनस बी माइनस टू बी, माइनस सी माइनस सी माइनस टू सी और ये जीरो। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, टू कॉमन आ रहा है। तो आप टू कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आप इज इक्वल टू, टू ले लिया आपने कॉमन तो टू आ गया ये बाहर। ठीक है बेटा, टू ऑलरेडी था हमारे पास। जीरो ए बी माइनस ए जीरो, सी माइनस बी माइनस सी जीरो, आपने टू ले लिया कॉमन। तो बेटा टू अगर जीरो से मल्टीप्लाई होता है तो जीरो ही देगा ना आंसर, इसलिए टू आपने बाहर ले लिया जो अदर एलिमेंट थे। ठीक है, आपके पास टू से टू कैंसिल हो गया, आपके पास आंसर क्या आ गया, दिस वन इज योर आंसर। ओके बेटा, चलिए ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर दिया आ गया। ओके, थैंक यू।